subscribe now and press the bell icon never miss an update subscribe now and press the bell icon never miss an update हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू करेंट अफेयर लाइव और मैं आपके कमेंट कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं आई वाज वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लेट टू नो दैट पीपल आर सपोर्टिंग मी लाइक दैट एंड फैजल यू आर अ जीनियस तुमको पता चल गया कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है ओके एंड थैंक यू सीवी फॉर योर सपोर्ट चलो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सपोर्ट एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस फिफ्टी क्वेश्चन मॉर्निंग ओके वी आर गोइंग टू हैव अ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग एस ठीक है एक छोटा सा कंपटीशन हम लोग करेंगे और उस कंपटीशन में देखा जाएगा किसमें कितना है दम ओके तो शुभम गुड मॉर्निंग स्वाति गुड मॉर्निंग पूजा गुड मॉर्निंग एंड आदिल गुड मॉर्निंग संदीपता गुड मॉर्निंग एंड एस डब्ल्यू गुड मॉर्निंग चंद्रशेखर गुड मॉर्निंग ढेर सारे नाम आ रहे हैं तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एक साथ एकदम मंच में एकदम होलसेल में और अभी भी लग रहा है कि आपके दोस्त जगह नहीं है सबको फोन करो जगाओ व्हाट्सएप पे जो भी हो टेलीग्राम करो सब कुछ करो उनको जगाओ और कह दो आज ही तो देखना है किस में कितना हैदम ठीक है फिफ्टी क्वेश्चन सबके लिए पचास क्वेश्चन बराबर होंगे इनफैक्ट पूरे इंडिया से जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे सबके लिए वो फिफ्टी क्वेश्चन बराबर होंगे वो न्यूज सबके लिए थी और उसी न्यूज से सवाल बनेगा और देखते हैं इसमें कि कौन जो है उन न्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा था कौन इसमें पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहा था उससे आप लोगों का नॉलेज लेवल भी पता चल जाएगा प्लस आप कितने तैयार हैं आने वाले समय के लिए लॉकडाउन से अब अनलॉकडाउन होना शुरू हो गया है ठीक है अनलॉकडाउन वन हो गया है तो समझो लॉकडाउन खत्म अब अनलॉकडाउन शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे जब अनलॉकडाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एकदम नॉर्मल जिसको हम लोग अगर कह सके ठीक है तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे नॉर्मल लिविंग में आ जाएंगे तो सभी चीजें आपकी तैयारी आपके अपॉर्चुनिटी सब फिर से वापस आने शुरू हो जाएंगे ठीक है तो उसके लिए एकदम तैयार रखो क्योंकि इस लॉकडाउन में जिन्होंने तैयारी की है ठीक है जिन्होंने अपने डाटा का सही इस्तेमाल किया है वो आगे बढ़ जाएंगे और जिन्होंने नहीं किया वो पीछे रह जाएंगे याद रखो यही कॉम्पिटिशन है ठीक है तो चले तैयार हो गए सब लोग ओ माई गॉड फैजल खा कह रहे हैं आज तो पचास में पचास इन बिल्कुल होगा ऐसे ही होगा ठीक है एकदम ऊपर वाले का नाम ले लिया तब तो होना ही होना है ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन डू मोर वट डू मोर यू कैन विन इफ यू वॉन्ट बहुत सही एकदम सही बात है बिल्कुल तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है एक छोटा सा कोटेशन देख लेते हैं आज के लिए जो हमारे पास है डोंट वेट फॉर ऑपरचुनिटी क्रिएटेड बहुत सोच समझ के ये कोटेशन मैंने लाया था जैसे मुझे पता चला कि लॉकडाउन से अनलॉकडाउन हो रहा है तो मैंने कहा कि यही लाइन सबसे सही है ठीक है तो एवरीबॉडी इज रेडी एकदम चार्ज है सब लोग वाह वाह चाय कॉफी जो भी पीना है पी लो ठीक है एकदम रेडी हो जाओ चलो तो सब लोग तैयार हैं डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड जी हाँ ठीक है कभी भी इंतजार मत करोगी यार अच्छे दिन आएंगे मेक योर दिन अच्छे ना डोंट वेट फॉर इट डोंट वेट फॉर इट इंतजार मत करो खुद ही बना लो यार बन जाओगे ठीक चलो आगे बढ़ते अरे एक चीज मैंने न्यूज देखी मैं सोचा हुआ आपसे शेयर कर दू आ, आ, मैं देख रहा था अचानक जो आ, न्यूज देखते रहते ना हम लोग मोबाइल पे तो देखा उसमें एक फोटो आई हुई थी ठीक है इनफैक्ट ट्विटर पे देख रहा था एक फोटो आई हुई थी उस फोटो में एक किसी व्यक्ति को दिखाया गया कि वो आ, जब छोटा था तो उसने के जूनियर जीता था ठीक है आई डोंट नो सुनील या समथिंग इज नेम वॉस तो उसने जूनियर के जीता था एंड नाउ दैट दैट पर्सन इज एन आई ऑफिसर

नो टोबैको डे ठीक है और वर्ल्ड नो टोबैको डे जो मनाता है वो कौन मनाता है हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी उन, उनके पास है और वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व थर्टी वन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको क्रिएट किया था इन्होंने 1987 में ठीक है वर्ल्ड नो टोबैको डे और इस ट्वेंटी ट्वेंटी में जो थीम है जो फोकस है वो है टोबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टिक टू अट्रैक्ट यंग जनरेशन ठीक है यानी टुबेको एक्सपोर्ट तो ये टुबेको वाले आप एड देखते हो ना कई बार टीवी पे टुबे का एड आता है इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है तो वहां पे बड़े बच्चे सब देख रहे होते बड़े तो समझ जाते हैं कि ये चीज जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते और वो जो है उसको सोचते हैं कि दिस इज द स्टाइल फैक्टर स्टाइल ऑफ फैक्टर मानते हैं और फिर उसी लाइन में वो चलने लगते हैं पहला ट्रायल होता है शो ऑफ के लिए फिर उसके बाद जो है आदत पड़ जाती है स्लोली एंड स्लोली उनका बॉडी जो है, वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है जो कि उनके फिजिकल एंड मेंटल के के लिए के लिए बहुत खतरनाक होता है ठीक है 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 ठीक ठीक तो आज वर्ल्ड और इस मैसेज को बिल्कुल करिए सबके बीच में ठीक है? चलो भाई आ, समय के हिसाब से अगर देख लें तो आज के दिन जो है यूनाइटेड नेशन फर्स्ट कॉपी राइट ठीक है साउथ अफ्रीका एक्ट कैम इंटू फोर्स एस्टैब्लिशिंग द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका को बनाने वाला साउथ अफ्रीका जो एक्ट है वो लागू हुआ था आज के दिन आर एम एस टाइटेनिक इज लॉन्च इन बेलफास्ट नॉर्थ आयरलैंड तो आर एम एस जो टाइटेनिक थी वो आज के दिन चली थी ठीक है द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन नाइनटीन सिक्सटी वन केम इंटू इफेक्टिव साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था नाइनटीन सिक्सटी वन का उसको इफेक्ट में लाया गया उसेन बोल्ट ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 100 मीटर स्प्रिंट 9.72 सेकंड तो उसेन बोल्ट ने, ने 2008 में आज ही के दिन जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया था ठीक है याद रखना जब ये धावक दौड़ते हैं ना तो ये भी देखा जाता है कि विंड की स्पीड कैसी है अगर वो दौड़ रहे सामने की और पीछे से विंड जो है उसका फोर्स ज्यादा है तो उसमें भी एक लिमिट लगा दी गई है कि इससे ज्यादा अगर विंड की स्पीड होगी तो हम उसको इलीगल मान लेंगे ठीक है तो यहां पर उसेन बोल्ट का लक बहुत अच्छा था कि विंड की स्पीड भी इनके साथ थी और साथ ही साथ ये नाइन पॉइंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया ठीक है तो आई होप ये वर्ल्ड हुसैन बोल्ट वाली कहानी आपको अच्छी लगी हुई एंड आज ही के दिन जो है 2013 में एक एस्ट्रॉइड था जो 1998 QE2 के नाम से था इट मेक्स इट्स मून मेक देयर क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ फॉर द नेक्स्ट टू सेंचुरीज अब देखो ये जो है अर्थ के बहुत करीब से होके जो है निकल गया ठीक है तो आप सोचो हम लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग सोचते हैं यार ये बुरा है वो बुरा है ये अच्छा है वो अच्छा है यहाँ लड़ाई हो रही वहाँ लड़ाई हो रही ठीक है चाइना से अमेरिका भिड़ गया और अमेरिका से इंडिया भिड़ गया ये हम लोग सोच रहे होते हैं और आप सोचो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती स्पेस में ठीक है दैट वुड टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की हम लोग भी डायनासोर बन जाएंगे ठीक है तो चलो विथ अ पॉजिटिव नोट दैट वी आर स्टिल हियर लेट अस स्टार्ट ठीक है और सभी लोग जो है अब आपस में डिस्कशन आप लोग बन करके एकदम कॉन्सेंट्रेट कर जाए सवाल पे एमसीक्यू का टाइम आ चुका है और आपके सामने मैं पहला सवाल लाने वाला हूं तो सब लोग तैयार है डालो यार जल्दी से वगैरह डालो जल्दी से देखते हैं और लाइक कितने का मैं बताओ जल्दी से लाइक वगैरह कर लीजिए और देखते हैं कि सब लोग तैयार हो गए कि नहीं एंड देन वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के लिए तैयार है, है एकदम एकदम रेडी बहुत सही और ये शुरुआत हुई सबके द्वारा जो इजाजत देने की सर आप तो शुरू कर दो चलो बिल्कुल हाँ युवा बिल्कुल सही कह रहे हैं बाइकॉट चाइनीज गुड्स ठीक है बाइकॉट चाइनीज गुड्स धीरे धीरे बाइकॉट करना अचानक करोगे ना तो बहुत सी चीजें गायब हो जाएंगी ठीक है तो बाइकॉट करना शुरू कर दें आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी बात है फॉलो वा, यानी वाला जो वीडियो है वो आप लोग देख चुके लग रहा है ठीक है चलो सब लोग तैयार हो गए एकदम हंड्रेड परसेंट तैयार है बिल्कुल रणवीर कहना सर सौ सौ हंड्रेड परसेंट चलो तब देखते हैं पहला सवाल आपके सामने आ रहा है और पहला सवाल है रिसेंटली थेरी डेलपोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी जल्दी से जवाब इसका दे दीजिए थेरी डेलपोर्ट को किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है जल्दी जवाब दे दीजिए सवाल नंबर एक समय हो रहा है समाप्त और इसका जवाब है जल्दी से आप लोग जवाब दे दें चलिए इसका जवाब है आपने न्यूज देखी होगी विप्रो ठीक है ये जो थेरी डेलपोर्ट है इनको अब विप्रो में अपॉइंट कर लिया गया ठीक है ये सीईओ इसके बन गए हैं चलो अगला सवाल आपके सामने है बहुत सही है देखो कितना बढ़िया जवाब है सब लोग हर्षिता एंड ऑल दैट स्टार्टेड गिविंग वेरी गुड बहुत अच्छे विप्रो 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 ठीक है द थीम इंटरनेशनल द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यू एन पीस कीपर ट्वेंटी ट्वेंटी इज वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस इट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे तो यहां सवाल बहुत सीधा सा है कि यूएन पीस कीपर डे कब मनाया जाता है किस दिवस को मनाया जाता है हाल ही में आपको पता होगा कि सुमन गवानी जो भारत की यू एन पीस कीपिंग फोर्स में है उन्हें सम्मानित किया गया इस अवार्ड से अवार्ड से ठीक है जल्द ही ठीक है तो आ, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है बहुत खुशी की बात है जल्दी से इसकी जवाब दे दें और ट्विंकल खन्ना बहुत खुश है कह ट्विंकल सिंह खुद कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छी शुरुआत हो गई बहुत अच्छी बात है चलो ये जवाब देखते हैं जवाब है इसका है, 29 में और आई वाज अबाउट टू स्पीक इट आउट बट समाउ आई कंट्रोल सेल्फ नाउ हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ही इज रिलेटेड टू कंट्री अब देखो बहुत तगड़ा सवाल आ गया आपके सामने आदमी का नाम बता दिया कहा अपॉइंटमेंट हुआ ये भी बता दिया पूछ रहे कौन से देश का कितना पढ़े है? यार मार्कोस्टो जो बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री ठीक है इससे पहले जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के आ, जो हेड हुआ करते थे उनका नाम था के वी कामत ठीक है के वी कामत ये थे और नाउ इट हैज बीन चेंज्ड सो ही हैज बीन रिप्लेस्ड ठीक है तो जल्दी से कंट्री का नाम बता दे और देखिए जवाब में आना शुरू हो गया ब्राजील ये वो, ओ ओ माय गॉड सब चार नंबर एकदम चिपक गए चार नंबर से सब लोग लग रहा है ओके दैट इज द राइट आंसर चलो मान ली आपकी बात एक नंबर आपका हो गया मतलब करोड़ आपका हो गया रिसेंटली uh, तो, और किस स्टेट के मैंगो डिपार्टमेंट जो जो है आपस में उन्होंने एक संधि की है कि भाई हम लोग मैंगो फार्मर को सपोर्ट करेंगे और उनका प्रोडक्ट जो है हम अपने प्लेटफॉर्म से बेचेंगे ठीक है ये बात कही गई है ठीक है और वो, आपको बिहार वाला तो याद ही होगा बिहार का पोस्टल डिपार्टमेंट और तो वहां की जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने लीची और आम बेचने के लिए टाइप कर लिया है ठीक है उसके बाद ये वाला केस आया था फ्लिपकार्ट और कौन से स्टेट का डिपार्टमेंट था जो आम बेचने के लिए लोग तैयार हो गए ठीक है बहुत सही सबका जवाब आना शुरू हो गया और सबको आंसर मालूम है देखो लाइन से लोग लिख रहे हैं कर्नाटका कर्नाटका कुछ लोग उड़ीसा के सपोर्ट में भी है और द राइट आंसर इज कर्नाटका ठीक है द राइट आंसर इज कर्नाटका आई होप यू योर एंजॉइंग शो आपको शो अच्छे लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा उतने लोग आएंगे और हमेशा याद रखो इसको उठा के अपने फेसबुक पे डाल दिया करो यू नो अगर एक आदमी के दस दोस्त है उन दस दोस्तों के दस दोस्त है तो मल्टीप्लेयर इफेक्ट मैथमेटिक आपको बहुत अच्छे से मैथ वाले सर ने पढ़ाया है

और ये एमओ इसलिए साइन किया गया है कि एक राज्य में स्टेट का डेवलपमेंट किया जाएगा ठीक है उस राज्य का ना, नाम आप बता दो ठीक है जल्दी से राज्य का नाम बता दो ठीक है राज्य का नाम बता दो स्टेट का नाम बता दो कुछ लोग मेरा ही स्माइलिंग गुरु गुरुजी रख दिए ठीक है

तो चलो सॉरी आई एम लेट अभिषेक त्रिवेदी कोई बात नहीं अभी आप भी रेस में शामिल हो जाओ बहुत सही एकदम बहुत अच्छे आंसर देखते हैं आंसर क्या है महाराष्ट्र महाराष्ट्र की स्टेट डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने एक टाई अप किया वन मिलियन का ये एशियन डेवलपमेंट है कहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे भाई और कोई हेड ऑड भी है इसका कोई हेड है सुना है मैंने तो ये सब थोड़ा लिख दो आप लोग कहाँ गए हर्षित फैजल भीम कहाँ लिखो ठीक है लिख दो एकदम सीधे से भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जो भी आपको आता है लिखते चलो जैसे मौका मिले लिखते चलो ठीक है तो इससे जानते क्या हो क्या होगा जो नए बच्चे आएंगे उनको भी इन्फॉर्मेशन होगी आपका भी रिविजन हो जाएगा ठीक है ऐसे किया करो हमेशा द मोर यू सपोर्ट अदर्स द मोर यू गिव अवे द मोर यू विल रिसीव बिकॉज सम्बडी इज वॉचिंग यू राइट सम्बडी इज वॉचिंग यू ठीक है एडीबी मनीला कुलदीप ने कहा कि सर एडीबी मनीला ठीक है ओके एडीबी डी बीजिंग चाइना और जवाब देखिए और आता है कुछ लोग मनीला 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 तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है ओ, ऐसा है क्या मनीला बहुत सही और म, आशा कावा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है देखिए ये मनीला की बात ही हम लोग कर रहे हैं ठीक है थीके? आप लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक कुछ लोग बता रहे हैं दैट इज दो याद रखना एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका जवाब आपको ग्रुप में ऑलरेडी मिल रहा है ठीक है तो मनीला की बात है आशा इज द हेड ठीक है तो बहुत से जवाब आने चले तो चलो अभी सवाल भी करने हैं सवाल है आपके सामने रिसेंटली द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन पेनालाइज विद अमाउंट ऑफ सेवन लाख बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लो बहुत बढ़िया सवाल है ये यहाँ ये कहा गया आपसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर जो है सात लाख का पेनाल्टी लगा है सेबी द्वारा और उसके हेड कौन है ये सवाल है आपके सामने हु इज द हेड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है बहुत अच्छे जवाब देना शुरू करें देखिए सवाल में इंफॉर्मेशन भी है और आपके लिए एक सवाल भी उसी में छुपा हुआ ठीक है जल्दी से जवाब दे दें आप लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये देखिए आंसर आना सबका शुरू हो चुका है और सभी लोग जो है राइट right आंसर देना शुरू कर चुके हैं बिल्कुल द आंसर इज कुछ लोग कह रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल सुखबीर सिंह संधू इज द राइट आंसर ठीक है कुछ लेकिन सीधे नितिन गडकरी लिख देते हैं नितिन गडकरी मंत्री जी को तो बीच में ना लाओ ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात ये अगला सवाल आपके सामने रिसेंटली कुरैसा अब्दुल करीम हैज क्रिस्ट द क्रिस्टोफे मेरिक्स प्राइस सी इज रिलेटेड टू विच कंट्री तो कुरैसा अब्दुल करीम जो है वो किस देश से संबंधित है इन्होंने क्रिस्टोफे मेरिक्स प्राइस जीता है ठीक है ये किस देश से संबंधित है जल्दी से जवाब दे दीजिए ब्राजील साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया चाइना एंड कैनेडा एंड सिंगापुर ठीक है कुरेसा अब्दुल करीम हैज द प्राइस और ये किस देश से संबंधित है और यह जवाब आना शुरू हो गया सब लोग जवाब देना शुरू कर दिए चलिए तो मैं भी जवाब दे ही देता हूं आपके सामने जवाब है साउथ अफ्रीका ठीक है द आंसर इज साउथ अफ्रीका चलिए आगे बढ़ते हैं रिसेंटली फिच रेटिंग फिच रेटिंग हैज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन करेंट फिस्कर देखो वर्तमान जो ईयर है ना उसमें इंडियन इकोनॉमी कितना कॉन्ट्रैक्ट का, का, कर जाएगी Uh, मतलब uh, कितना ग्रोथ रेट उसका नेगेटिव होगा यह पूछा गया है ना तो कितना परसेंट बताया गया था वॉज द परसेंटेज दैट वॉज टोल्ड अर्लियर यह कितना परसेंटेज बताया था, था इन्होंने बहुत सही ये जवाब आने शुरू हो गए सब लोग जवाब देना शुरू हो कोई एक दो तीन चार अलग अलग जवाब आते हुए लेकिन देखते हैं कि सही जवाब क्या है ठीक है सही जवाब है नंबर ठीक है फाइव इज द राइट आंसर फाइव इज द राइट आंसर और ये 5, आ, 5 की बात उन्होंने की थी contraction याद रखना माइनस में जाएगा ये नेगेटिव में जाएगा ठीक है इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ठीक है इट्स फाइव परसेंट फाइव परसेंट कॉन्ट्रक्शन बाई फाइव परसेंट ठीक है बहुत अच्छी बात है रिसेंटली बीन अपॉइंटेड हुए न्यू सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी का नाम बता दीजिए जल्दी से ऑप्शन आपके सामने विद्यावती शिखा शर्मा मंजुला शर्मा एस ए राजेश्वरी एंड गीता मित्तल जल्दी से आंसर दे दीजिए और जब 20 सवाल हो जाएंगे तो हम लोग देखेंगे किसके पास कितना क्वेश्चन के कितने सही जवाब आए हुए हैं ठीक है तो जल्दी से कर दे जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए ओरिएंटल कंपनी जो है हमारी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी उसके सीएमडी कौन बने हैं सीएमडी कौन बने है? देखो भीम का सवाल गलत हो गया वो कह रहे है, सर वो दुखी हो गए रो रहे हैं डोंट वरी डोंट क्राई आगे और मौका मिलेगा देखो पचास सवाल है अभी टेंशन ना लो यूपीएससी यूपीएससीपेरेंट भी कह रहे हैं सर मेरा गलत हो गया टेंशन ना लो अभी पचास सवाल है बहुत है इतने में तो बहुत आगे पहुंच जाओगे ठीक है पचास मौके है तुम्हारे पास पचास मौके ठीक है चलो टेंशन ना लो और ये सही जवाब है सर्म राजेश्वरी बिल्कुल ऐसेन राजेश्वरी देखिए पूरा डिटेल गुलदीप कुमार वर्मा जी ने दे दी है बहुत अच्छी बात चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल है रिसेंटली कंट्रीज लार्जेस्ट कार में मार्टी सूच गई इंडिया है जॉइन हैंड विद विच बैंक टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू इट कस्टमर तो अपने कस्टमर को रिटेल लोन प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो कार खरीद सके किसके साथ मारुति ने टाइपअप किया है इसका मतलब जानते हो क्या है जब मारुति के शोरूम में आप जाओगे कहोगे ये कार हमें खरीदनी है तो वहां पे फाइनेंस के लिए ऐसे ऐसे लोग मौजूद होंगे बिल्कुल आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार होंगे तत्पर होंगे एकदम ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छी बात चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए किस बैंक का नाम यहाँ पे आप लोगे जो मारुति सुजुकी के साथ जिनका टाई अप हुआ है रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम के लिए चलिए आईसी आईसी बैंक लोग कह रहे हैं देखते हैं जवाब में क्या है इट इज आईसीआईसीआई बैंक और हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ और अगला सवाल हमारा है व्हाट इज द नेम ऑफ हाइसियन फुटबॉल फेडरेशन चीफ हु हैज बीन प्रोविजनली बैन रिसेंटली बाय फीफा फीफा ने हाल ही में हाई के फुटबॉल फेडरेशन के चीफ को बैन कर दिया है ठीक है उनका नाम बता दीजिए देखो आ, में भी वो नाम पूछा जा रहा है ठीक है तो जल्दी से बता दीजिए कि हाइटी के, के फुटबॉल फेडरेशन के चीफ कौन से और हाइटी की करेंसी क्या थी कुछ अजीब टाइप का था कोई ना डॉलर था ना यूरो था ना पाउंड था हाइटी की करेंसी क्या थी की करेंसी आप बता दीजिए ठीक है हाइटी की करेंसी समय आपका ऑलरेडी समाप्त हो चुका है तो लो मैं आंसर बता ही देता हूँ यहाँ पे ये जीन बाट है ठीक है ये जीन बाट है और गॉड आपने सुना होगा गॉड नाम था ना ठीक है तो आप लोग एकदम ध्यान दीजिए और डोंग जो है वो वियतनाम का है ठीक है अनुष्का अनुष्का इट्स वियतनाम डोंग गॉड है ठीक है गॉड जी ओ यू आर डी गॉड जो है वो हाइटी की करेंसी है ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है रिसेंटली नासा हैज इस नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रा डेवलपर टेलीस्कोप डब्ल्यू फर्स्ट जिसको शॉर्ट में कहते हैं Uh, which is to be launched in honor of Nancy Grace, Grace Roman in which year? किस वर्ष में जो है डब्ल्यू फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा नैन् ग्रेस रोमन में सवाल ऐसे भी बन सकता था किसके किसको ऑनर करने के लिए लॉन्च किया जाता है फिलहाल uh, सवाल यहाँ पे यह है कि कब लॉन्च हुआ है याद रखना ये जो समय है ना इस समय के बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा ठीक है uh, तो इसलिए ये समय जब तक है तब तक आपका आंसर जो है वैलिड होगा मेरा सही हो रहा है स्वर्ण दत्ता बहुत सही कॉन्ग्रेचुलेशन अगर सही हो रहा है बहुत अच्छी बात है यहाँ पे जो है कुछ लोग कह रहे हैं सर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कुछ लोग ऑप्शन नंबर पांच लिख रहे हैं कुछ लोग तीन कह रहे हैं अब देखते हैं आंसर क्या है एंसर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ही है सम्मान में रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड बिग डेटा जल्दी से बता दो आंसर क्या है नाइजीरिया इंडोनेशिया इसराइल युगांडा आइसलैंड बहुत ही आसान आंसर है बहुत ज्यादा समय मत लगाना बहुत तो समय की घड़ी भी पीछे बहुत तेजी से चलती चली जा रही है आपका समय पास समय है तीन दो एक आपका समय हुआ समाप्त बहुत समय दे दिया हमने आपको दस सेकेंड बहुत ज्यादा होता है ऐसे सवालों के लिए आंसर है इसराइल के साथ भारत सरकार ने जो है एक टाई अप किया है कि ज्वाइन रिसर्च करेंगे वो लोग किसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डाटा पे ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने रिसेंटली हैज बिन इलेक्टेड हु हैज बिन इलेक्टेड द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक देखो ये वाइस प्रेसिडेंट है ठीक है वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक किसक यहाँ पे

ज बीन डिटेन ऑन चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग ड्रग ड्रग रखने के जुर्म में किस देश के फुटबॉलर को जो है इस समय डिटेन मतलब पकड़ लिया गया अरेस्ट कर लिया गया है ऑप्शन आपके सामने श्रीलंका पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका सेहान मधुसंका मधुसंका है ये ठीक है और ड्रग संका के उसमें ये पकड़े गए जल्दी से ऑप्शन आप दे दीजिए समय आपका ऑलरेडी समाप्त हो चुका है आंसर जल्दी से दे दीजिए और ये जवाब है इसका श्रीलंका जी हाँ सेहान मधुसंका जो है वो ड्रग पकड़ ड्रग रखने के जुर्म में ये अरेस्ट किए गए हैं और ये श्रीलंका के फुटबॉलर हैं ये नाम जरूर याद रखिएगा रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड टू रिप्लेस स्टील इन कार ठीक है स्टील और एलमुनियम को रिप्लेस करने के लिए एक नया एलॉय बनाया है किस आई आई टी ने एलॉय मतलब क्या होता है जब दो मेटल को हम मिलाते हैं और जो थर्ड मेटल निकल के आता वही तो एलॉय होता है ठीक है ये सवाल साइंस वाले सर से जरूर पूछना जीएस साइंस की क्लास में ठीक है अलग अलग एलो कैसे बनता है ये सब पूछना आप लोग जरूर ठीक है तो समय आपका ऑलरेडी इसमें समाप्त हो चुका है और इससे पहले मैं आंसर बता दूं मैं देखना चाहता हूं कि सबके आंसर क्या आ रहे हैं और बिल्कुल सही सबके आंसर सही आ रहे हैं ऑलमोस्ट सभी लोग तैयार थे एकदम आई मद्रास के लिए बहुत अच्छी बहुत अच्छे बात बहुत अच्छे वेरी गुड बहुत अच्छे ऐसे ही रखे रहो कीप इट अप बहुत बहुत ताकत और बहुत जोश है आपके अंदर यही जोश और जुनून आपको आगे ले जाएगा एकदम कीप ऑन स्माइलिंग कीप ऑन रनिंग कीप ऑन कीपिंग योर अपडेट ठीक है अपडेट रहने से जानते फायदा क्या होता है जब चार लोग बात कर रहे होते हैं ना तो वहां पे जब आप न, अपना नॉलेज थ्रो करते हो तो लोग बाकी लोग कहते हैं वाह इनको कितना नॉलेज है समझे तो याद रखो हमेशा छोटी छोटी ऐसी जीत जब आपके अंदर जीतने की आदत होगी ना तो बड़ी लड़ाई अपने आप से जीत जाओगे तो छोटे छोटे चीजों पर जीत हासिल करो ठीक है छोटे छोटे चीजों पे जीत हासिल करो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग रिसेंटली हाउ मच अमाउंट द बाईट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन टू अकाउंट ऑफ खेलो इंडिया एथलीट्स खेलो इंडिया एथलीट्स के अकाउंट में कितना अमाउंट जो है राशि अभी ट्रांसफर की गई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ऑप्शन है आपके सामने तीस हजार चालीस हजार पचास हजार बीस और पैंतीस हजार जल्दी से जवाब इसका दे दें बहुत ही तगड़े एकदम जोश से भरे हुए लोग और देखिए बिल्कुल प्रकाश कहने सर मैग्नेजियम में लॉय बनाया गया है हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बात सही हाँ, लेट हो गए आज सिंह सुमित कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी भी आप रेस में हैं ठीक है गुरुजी बारिश हो रही है बिल्कुल बारिश हो रही होगी हम भी देखते हैं अभी बाहर निकल के पता चलेगा क्या हो रहा है ठीक है चलो अब तो मानसून का सीजन भी आ गया बारिश हो जाए कम से कम बाकी इकोनॉमी सवर कर रही किसान हमारे एकदम तत्पर है कि देश को आगे ले चलेंगे तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो बारिश करते रहे और ये देखिए जवाब आना शुरू हो गया है तीस हजार चालीस हजार पचास हजार बीस हजार पैंतीस हजार में से लोग कह रहे हैं सर तीस हजार है देखते हैं आंसर क्या है बिल्कुल सही जवाब बहुत अच्छे तीस हजार ही सही जवाब है बिल्कुल सही बहुत अच्छे चलिए अगला सवाल है आपके सामने टेनिस प्लेयर जेमी हेम्पटन हैजंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस सी इज रिलेटेड व्हिच कंट्री आप बताओ भाई टेनिस प्लेयर हैं जेमी हेम्पटन नाम है इनका किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया यूएस स्पेन इटली एंड फ्रांस आपके सामने पांच ऑप्शन है पांच में से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा और याद रखो एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो बाबू ठीक है एक नंबर जो है रोक देता एक जाम है एग्जाम में इसलिए एक एक नंबर एकदम बटोरते हुए चलो अगर आप थोड़ा सा भी आप पढ़े रहो पढ़े रहोगे रहो ना चीजों को तो याद रखो इस पांच में से एक ऑप्शन आप आराम से लगा लोगे थोड़ा भी अगर न्यूज को आप पढ़ते होगे थोड़ा भी न्यूज को अपने आ, दिमाग में आप रखते होगे ना तो एक नंबर मिल जाएगा और देखिए जवाब आना शुरू हो गया स्पेन स्पेन यूएस स्पेन और कुछ लोग बी 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 टिके हुए है। देखते हैं जवाब क्या है जवाब है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस ऑफ द ए यानी यूएसए ठीक है यह जवाब है आपके सामने अगला सवाल आपका रिसेंटली विथ कंट्री नेशन वाइड इमरजेंसी इम्पोस्ट फॉलोइंग कोरोना वायरस पेंडेमिक जी हां किस देश ने जो है पूरा एकदम जो लॉकडाउन था उसको हटा दिया गया जैसे हमारे यहां धीरे धीरे हटाया जा रहा है उस देश ने एक ही समय में पूरा हटा दिया चाइना इटली जापान यूएसए यूएसए एंड पाकिस्तान जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए कि किस देश ने जो है अपने यहां से पूरा लॉकडाउन हटा दिया कहा कि अब छोड़ो यार बहुत हुआ अब इसके साथ ही जीना है चलो इसको आगे लेकर चलते हैं ठीक है चलिए और ये जवाब आने शुरू हो गए सब लोग जवाब देना शुरू कर चुके हैं लोग कह रहे हैं साथ जापान 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 कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर चार यानी यूएसए ठीक है बहुत बहुत अच्छे और ये देखिए जापान ही इसका सही जवाब है सही जवाब क्या है जापान ठीक है जापान वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थर्ड उसपे आता है रेटिंग में थर्ड आपने अभी देखा होगा वन पॉइंट वन ट्रिलियन का उन्होंने पैकेज दिया था और फिर एडिशनल कुछ उन्होंने सप्लीमेंट्री पैकेज भी लाया हुआ था ठीक है तो जापान की वही वही जापान है जो यूनाइटेड जो यूएस द्वारा वहाँ पे एटम बम गिराने के बावजूद भी अपने आप को इतनी मजबूती से वहाँ के लोगों ने इतने डिसप्लिन से अपने आप को जो है वर्ल्ड की थर्ड इकॉनमी उन्होंने बना दी अपने आप को आप सोचो क्या लोग कितने डिसिप्लिन लोग हैं वहां के ठीक है रिसेंटली विच विच कंपनी फॉर फूड डिलीवरी मोहित गुप्ता टू पोस्ट ऑफ अब ये सीईओ थे फूड डिलीवरी के अब बन गए हैं उसके को फाउंडर मोहित गुप्ता जी को प्रमोट कर दिया गया है लेकिन वो कंपनी कौन सी है फूड डिलीवरी करती है कंपनी ये तो क्लियर हो रहा है लेकिन ये स्विगी फूड पांडा बिग बास्केट उबे रीट जोमेटो ये सब तो फूड डिलीवरी करते हैं सर ठीक है फंसा के रख दिया है एकदम आंसर में कहीं भी दूरी नहीं है कम से कम एक आंसर तो अलग रख देते ठीक है तो यहाँ देखिए सीईओ थे ये फूड डिलीवरी कंपनी के मोहित गुप्ता साहब अब बन गए हैं को फाउंडर आ रहा है सर जोमेटो कुछ लोग कह रहे हैं सर स्विगी सब लोग अपने अपने जो फेवरेट फूड डिलीवरी एप्स है ना उन्हीं के हिसाब से आंसर दे रहे हैं लग रहा ठीक है बहुत सही ठीक है ना और बहुत अच्छी बात है मैं मैं सोचता हूँ कि कभी भविष्य में ये जो जोमेटो है वो दाल चावल भी जोमेटो और ये स्विगी वगैरह है फूड डिलीवरी ये दाल चावल भी दे इंस्टीट ऑफ सेंडिंग जस्ट पिज्जा एंड ऑल दैट थिंग्स ठीक है तो स्विगी फूड पांडा बिज बास्ट उज और जोमेटो एंसर इज जोमेटो बिल्कुल सही आपका जवाब है और एक नंबर आपका और बन गया है और बताइए बीस में से कितने नंबर बने जल्दी से एक छोटा सा ये ब्रेक है हमारा और इस ब्रेक में बीस में से कितने नंबर आप पाए तो जल्दी से आप बता दो तो फिर हम लोग आगे ठीक है जल्दी से बहुत सही और ये देखिए फैजल कह रहा है कहां है फंसा सर आंसर तो साफ दिख रहा है जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए साफ है लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी उसको नहीं पढ़ा होगा आप सोचो वो अगर सोच रहा होगा हम हीट एंड ट्रायल भी कर दें तो फंस जा रहा है फंस जा रहा है ठीक है और ये देखिए अठारह नंबर मिला है प्रियंका को और सत्रह नंबर महक और उन्नीस नंबर के साथ सपना और देखिए ये सामना पूजा उन्नीस नंबर और बहुत तेजी से ये अठारह नंबर कौन ले गया प्रकाश अठारह नंबर और सत्रह नंबर है विवेक का और बहुत सही अठारह नंबर पे भीम भी है चलिए बहुत सही बहुत अच्छे बहुत अच्छे मतलब और ये बीस में बीस कौन है भाई सागर सेट्टी कौन है अच्छा चलिए देख नहीं पाया बहुत तेजी से नाम निकल रहा था चलिए तो ये अभी तक का स्टेटस है ठीक है पहला राउंड खत्म हो गया अब सेकेंड राउंड शुरू होगा ठीक है पहले दिन की बैटिंग समाप्त अब दूसरे दिन की बैटिंग शुरू करने के लिए तैयार है सब लोग आर यू रेडी इस वाली पारी में जो है ना आगे बढ़ जाना एकदम एकदम डरना नहीं एक डर के आगे जीत है माउंट एंड यू ठीक है चलिए बहुत सही तैयार है अगले सेशन के अगला पार्ट जो है ट्वेंटी क्वेश्चन आपके सामने अगला आएगा मैंने काउंट नहीं किया कोई बात नहीं लास्ट में काउंट कर लेना तो अगले सेशन में फिर भी सवाल होंगे फिर उसके बाद दस सवाल होंगे दुखी मत हो भीम दुखी मत हो तुम्हारे नाम में ही इतना ताकत है दुखी होना नहीं चाहिए तुम्हें ठीक है बहुत सही चलिए आगे बढ़ते रहिए और तैयार है सभी लोग पहला सवाल आपका सेकंड इनिंग का आ रहा है रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड दर एस फोर हंड्रेड फोर्टी मीटर लॉन्ग टनल कंस्ट्रक्टेड बिलो द बीजी टाउन ऑफ चंबा एज अ पोर्ट एज अ पार्ट ऑफ द चार धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तो चार धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बनाते हुए उसके बीच में एक शहर आया जिसका नाम था चंबा उसके नीचे से टनल निकाल दी इन लोगों ने ताकि वो कनेक्टिविटी हम बना सके चार मीटर का आप समझो और तो यहाँ पे सवाल ये है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है ठीक है यूनियन मिनिस्टर कौन है चलिए कोई बात नहीं हर ऐसा देखो अंतर आत्मा को सब पता है ठीक है तो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है चलिए जल्दी से बताइए यूनियन मिनिस्टर कौन है और ये आंसर सबको आना शुरू हो गया इस वक्त जो है जवाब आपका सही है नितिन गडकरी होंगे ठीक है आगे बढ़िए विच स्टेट हैज हैज बीन बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेट फ्लोरास मतलब जो इस पेंडेमिक और एंडेमिक आता है ना उसमें जो फ्लोरास हैं जो फूल पत्तियां हैं उनके बारे में उनके कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पे उन्होंने उनके थ्रेट के बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली वो किसने निकाली क्वेश्चन तो यही है सवाल तो यही है वो राज्य कौन सा है जिसने ये रिपोर्ट निकाली है समय आपका ऑलरेडी समाप्त हो चुका है लाइक आपने कम किए हैं लाइक जल्दी से बढ़ा दो और आंसर जल्दी से बता दो कि झारखंड उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में से कौन सा है जल्दी से जवाब और ये जवाब आने शुरू हो गए बहुत लोग कह रहे हैं उत्तराखंड है कुछ लोग कह रहे हैं सीसीसी यानी राजस्थान और कुछ, कुछ लोग कह रहे हैं पांच उत्तराखंड कुछ लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश देखते हैं जवाब है उत्तराखंड बहुत अच्छी बात ये जवाब है आपका उत्तराखंड ठीक है उत्तराखंड राज्य ने जो है एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने बताया कि उसके राज्य में जितने में फूल पत्तियां हैं उनका स्टेटस क्या है और कौन से थ्रेटेंड हो गए मतलब खतरे वाली कैटेगरी में आ गए हैं ठीक है, है? चलिए आगे बढ़ते हैं रिसेंटली अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक बाय द वर्ल्ड बैंक टू की पोजिशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया रीजन साउथ एशिया रीजन में क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट के के लिए किसको अपॉइंट किया गया है कौन अब देखेगा डिजास्टर मैनेजमेंट और साउथ एशिया रीजन में ठीक है चलो जल्दी जवाब दे दो तो मैं अग्रहरी सुरेंद्र त्रिपाठी अनुभव सिन्हा आभाष अभय मुखर्जी ठीक है चलिए बहुत सही ललित को से सबसे पहले जवाब हमने दिया बिल्कुल सही कोई बात नहीं रेस में देखो किसने शुरू किया किसने नहीं किया दैट इज अदर मैटर लेकिन फाइनल फिनिशिंग लाइन पे रिबन को तोड़ते हुए कौन आगे निकल रहा है उन पे सबकी नजर रहती है पूरी दुनिया पूरी कैमरा पूरे जितने रेफरी होते हैं वो यही देख रहे हैं कि निकला कौन भाई ठीक है चलो बहुत अच्छी बात बहुत अच्छे सभी लोग आवाज जा, आवाज जा कह रहे हैं मैं भी कह देता हूं आवाज जा ही है। चलो भाई मान लिया रिसेंटली लेजेंड प्लेयर एंड विनर ऑफ द थ्री ओलंपिक गोल्ड मेडल बलबीर सिंह रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स ठीक है तो ये लेजेंडरी प्लेयर है इन्होंने भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया तीन तीन ओलंपिक में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है इनका निधन हो गया है इनका आप, आप स्पोर्ट्स बता दें किस स्पोर्ट से संबंधित है ठीक है आप जल्दी से जवाब इसका दे दीजिए फुटबॉल है कि क्रिकेट है कि हॉकी है टेबल टेनिस है कि बैडमिंटन है जल्दी से आप नाम ले लें तब मैं आपको बताऊं जरा सा इनके बारे में चलिए जवाब आना शुरू हो चुका है सब लोग जवाब देना शुरू कर दिए हैं और आंसर है हॉकी जी हाँ बिल्कुल बलबीर सिंह दोसन जी को मॉडर्न ध्यानचंद द्या, के रूप में भी माना जाता है जाना जाता है ये बहुत ही उमदा खिलाड़ी थे ठीक है बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन चीफ ऑफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कौन बना है आपका एक कमीशन छोड़ के कोई दूसरी कमीशन में गया है यही बस हिंट मैं दे सकता हूं अरविंद मेहता अजय भाटिया बी आर शर्मा मयंक गुप्ता एंड गौरव मिश्रा कौन है वो जवाब दीजिए ठीक है जल्दी से जवाब दे दीजिए एक एक हिंट मैंने आपको दे दिया है कि वो एक आपका कमीशन छोड़ के दूसरे कमीशन में गए हैं आप छोड़ नहीं देते हो गया गलत हो गया छोड़ो यार ठीक है बहुत अच्छी बात है और ये जवाब आना शुरू हो गया और भीम इज गेटिंग रेड एंड येलो लाल पीले हो रहे बिकॉज उनके एंड पे बफरिंग हो रही है शायद ठीक है तो विल होप हिम गुड नेट ओके तो चलिए बहुत सी बहुत ही जवाब आना शुरू हो गया है सब लोग कह रहे हैं सर बी आर शर्मा बिल्कुल एस एस सी से बी आर शर्मा साहब अब गए जेके पी एस सी में ठीक है चलिए अगला सवाल है आपके सामने वर्ल्ड बैंक टू 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 हाउ मच लोन पाकिस्तान हेल्प रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड इंप्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी अब देखो पाकिस्तान को जो है चार साल बाद लोन सैक्शन किया है वर्ल्ड बैंक ने क्योंकि कोरोना पेंडेमिक में बहुत बुरी हालत चल रही है ऑलमोस्ट सभी देशों की चल रही है ठीक है और जो देश पहले से बुरे हालत में थे उनके तो और भी हालत बुरी चल रही है तो यहाँ पे सवाल आपसे ये है कि, कि कितनी राशि आवंटित की गई है जल्दी से जवाब दे दीजिए कितनी राशि आवंटित की गई है और ये देखिए यहाँ पे सही जवाब आने शुरू हो गए हैं और मैं बता देता हूँ बिल्कुल सही जवाब वही है पांच मिलियन आप लोगों ने सही बताया है पांच मिलियन उसको जो है दिया जा रहा है ठीक है चलिए आपके सामने आप देखते हैं हॉल ऑफ फेम कॉलेज बास्केटबॉल कोच एडी सटन है एडी सटन जो है जो बास्केटबॉल कोच uh, हुआ करते थे हॉल ऑफ फेम ऑफ कॉलेज बास्केटबॉल में इनका नाम था तो ये किस देश के थे ठीक है एडी सटन इंग्लैंड यूएस ऑस्ट्रेलिया स्पेन एंड फ्रांस और सर थी जल्दी से जवाब दे दीजिए और समय आपका ऑलरेडी समाप्त हो चुका है मैंने 20 सेकंड का टाइमर लगा रखा है और 20 सेकंड में अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इससे ज़्यादा समय के लिए मत दो ठीक है इससे ज्यादा समय दे रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट को आप किल कर रहे हो जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है ठीक है कोई बात नहीं चार गलत हो चुके हैं कोई बात नहीं यही तो जीत हार का मजा है यहाँ पे ठीक यह है ये कंपटीशन है कंपटीशन में रेस होता है ठीक है चलिए और ये सवाल का जवाब है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है अरे चलिए चेयरमैन ऑफ एक्टिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये देखिए फिर से सम्मान वाला सवाल है आपके सामने कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ठीक है चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसे नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन अमित शाह डॉक्टर हीरो की हीरो की नाकातानी एंड शंकर प्रसाद एंड एस जयशंकर ठीक है जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए मेरा भी नाम ले लीजिए शिवम राजपूत ले लिया आपका नाम ठीक है बहुत सही है जवाब आने शुरू हो गए ब्रिजेश गिरी ने बहुत जल्दी से जवाब दे दिया उन्होंने कहा सर डॉक्टर हर्षवर्धन और देखिए लाइन से सभी लोग डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम के आगे ही अपना जो है मत दे रहे हैं यानी ये जीत गए तो डॉक्टर हर्षवर्धन इज द राइट right आंसर है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है चलिए रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिड्यूज द रेप रिवर्स रेपो रेट फ्रॉम 3.75 परसेंट टू वच परसेंटेज अब देखो ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है अगर आप याद करो तो घटाया हमेशा रेपो रेट जाता है और उसी के साथ रिवर्स रेपो रेट अपने आप से घट जाता है लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि रिवर्स रेपो रेट कितना घटाएगा कि? जल्दी से बता दो जितना रेपो रेट घटा होगा उतना यह भी घटा होगा ठीक है बहुत सही जवाब दे दीजिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे बलवीर बहुत अच्छे आर्यंत मोनू बहुत अच्छे बहुत अच्छे जल्दी से जल्दी से जवाब दे दो बहुत से सवाल अभी करने मैं बहुत तेजी से अब रेपिड फायर से भी रैपिड होने जा रहा हूं ठीक है डॉक्टर हर्षवर्धन अभी भी कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कोई बात नहीं जल्दी से बता दो रिवर्स रेपो रेट की बात हम लोग कर रहे हैं कितना परसेंट हो गया है और ये देखिए जवाब आना शुरू हो गया मुकेश ने कहा थ्री पॉइंट थ्री परसेंट हमने मान लिया थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट बिल्कुल सही है थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट इज द राइट आंसर और ये देखिए इंडिया बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पीपी इन द वर्ल्ड पीपी मतलब वो नहीं देखते दो आप सब ग्लब्स और ऊपर से नीचे तक पूरा जो डॉक्टर वगैरह लोग ढके रहते पहने रहते हैं उसको पीपीई कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ठीक है इंडिया इसमें सेकंड आ गया है पहले बताओ कि फर्स्ट पे कौन है जल्दी से तीन सौ एकसठ लोग अभी भी वाचिंग कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आप लोग एकदम शेयर करें दोस्तों को इनवाइट करें ताकि ये चार सौ पांच सौ छह सौ हजार लोग आ जाएं ताकि ये कंपटीशन पता चले कंपटीशन का लेवल क्या चल रहा है ठीक है जल्दी से बता दो तो भाई पीपीई में पहला कौन सा है बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो गया वही है जो बीमारी का जड़ है वही ये इलाज भी दे रहा है यानी चाइना इज अ राइट आंसर बिल्कुल सही और देखिए भीम अगेन गेटिंग लाल एंड पीला चाइना का नाम लेते ही उन्हें गुस्सा आ गया शायद तो पीपी -पी के मार्केट में अगर देखा जाए तो इंडिया सेकंड पे आता है और चाइना नंबर वन पे आता है ठीक है लेकिन इंडिया ने बहुत तगड़ी तरक्की की है ताकि वो सेकंड पोजिशन तक पहुंच सके मुझे उम्मीद है जल्दी जो चाइना को भी बीट करने के हम चलो रिसेंटली श्यामला श्यामला जी भावे हैज अवे मतलब रिलेटेड टू उनका प्रोफेशन क्या था राइटर पोलिटिशियन एक्ट्रेस जॉन सिंगर टाइम आपका समाप्त हो रहा है घड़ी समय की मेरे पीछे बहुत तेजी से भाग रही मैं उसको नहीं रोक सकता इसलिए जल्दी से आप लोग जवाब दे दें आपका समय हो रहा है समाप्त पांच चार तीन दो और एक ये समय हुआ समाप्त और आंसर आपके सामने आ गया सिंगर वो गायिका थी ठीक है उनका निधन हो गया ठीक है चलिए आपके सामने जो है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ हु हैज बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट हाईएस फीमेल एथलीट याद रखना यहां पे फीमेल एथलीट की बात हम लोग कर रहे हैं तो आंसर जल्दी से दे दो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन सा है कौन है सेरेना विलियम साइमन अहल्थ एंजिल कार्बा नोमी ओसाका स्लोए स्टीवन समय आपका समाप्त हो रहा है और ये तीन दो और एक समय हुआ आपका समाप्त और आंसर है बिल्कुल आंसर है नोमी ओसाका थी ज

एक समय हुआ आपका समाप्त और आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस ऑफ द ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है इन्होंने एक ऐसा लेजर बनाया जिससे वो जो जब विमान उड़ रहा होगा ना तो उसको नीचे से निशाना साधेंगे और विमान को मार गिराएंगे ऐसा नहीं लग रहा स्टार ट्रेक में नहीं याद है स्टार ट्रेक वगैरह मूवी आप साइंस वाली मूवी देखते थे तो उसमें कैप्टन व्योम टाइप का जो गन होती थी उसमें से लाइट निकलती थी ना तो ये देखिए अब ये कहीं ना कहीं हकीकत हो रहा है दुनिया आगे बढ़ती जा रही कोरोना के साथ साथ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफ एल ओ की ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है जी हाँ महिलाओं का जो जो महिला इंटरप्रीनियर है उनका जो ग्रुप है फिक्की में ठीक है उसको एफ एल ओ कहते हैं यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन और उसका एक प्रेसिडेंट किसी को नियुक्त किया गया है कौन है आंसर आपका जल्दी दे दीजिए समय हो गया समाप्त जहानबी फुकन सुनीता चंद्रा अर्चना पाल रिया मेहता कुसुम गोस्वामी जल्दी से जवाब दे दीजिए और आपका सही जवाब है जहानबी फुकन जी हाँ इनको अपॉइंट किया गया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट ठीक है अगला सवाल है रिसेंटली एन टीपीसी नाउ हैथ विच कंपनी टू स्टार्ट ज्वाइंट वेंचर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस जल्दी से बताओ भाई एनटीपीसी ने किसके साथ एमओयू किया है एक ज्वाइंट वेंचर वो लाएंगे ज्वाइंट वेंचर मतलब एक कंपनी दो कंपनी एक तीसरी कंपनी चलने लगी दैट इज अ ज्वाइंट वेंचर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस जल्दी से जवाब दे दीजिए आंसर आपके सामने जल्दी से ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑयल इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम जवाब समय आपका समाप्त हो गया जवाब आपके सामने है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओ एन जी सी ठीक है तो एन टीपीसी ने टाइप किया ओएनजीसी के साथ कहा दोस्त चलो हम लोग एक नया नई शुरुआत करते हैं ठीक है

आ, वो छम टेम्पल जो है उसके परिसर की देखरेख करने गई थी भारत की चार लोग गए थे एस आई टीम से ठीक है और वहां पे जाके उन्हें पता चला कि वहां पे एक शिवलिंग भी मौजूद है और शिवलिंग की खुदाई करके उन्होंने शिवलिंग को भी प्राप्त किया वहां पे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रिसेंटली द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनोग्रेटेड चंबा टुनेल इन विच इन विच स्टेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब देखो सवाल वही कि चंबा टुनेल जो बनाई गई है वो किस स्टेट में बनाई गई है ठीक है जल्दी से आंसर दे दीजिए उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर और देखते हैं सही जवाब किसका आ रहा है और सही जवाब यहाँ पे है उत्तराखंड जी यहाँ याद रखना चंबा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट भी है हिमाचल प्रदेश में लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड में ठीक है चलिए फर्स्ट इंडियन कीपर टू रिसीव द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 अभी कुछ देर पहले हम लोग इस uh, बात का चर्चा शुरुआत में हम लोग चर्चा कर रहे थे अगर याद हो तो सही जवाब आप दे लोगे कंचन गोस्वामी सुमन गवानी राजानी गौतम रजनी गौतम मीना कुमार एंड अंजलि ठाकुर निम्नलिखित में से किसे जो है प्राप्त हुआ है इंडियन पीस कीपर अवार्ड अभी जल्दी प्राप्त हुआ ट्वेंटी तारीख को प्राप्त हुआ है ठीक है तो जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए समय आपका समाप्त हो गया है जो मुझे बातचीत करता है कि मैं आपको आंसर बता दूं और आंसर है सुमन गवानी जी हाँ इन्हें दिया गया है अवार्ड रिसेंटली हु हैज वन द इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड एन वाई आई पी एल ए ट्वेंटी ट्वेंटी एनवाई आई पी एल ए इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया डॉक्टर राजीव जोशी शरद चंद्रा विवेक अग्रवाल विपुल पाल एंड सुमित अरोड़ा जल्दी से जवाब दे दीजिए इन पांचों लोगों में से किसे जो है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ठीक है और ये जल्दी से समय आपका ऑलरेडी समाप्त आप हो चुका है तो मैं आंसर जल्दी देने जा रहा हूं इससे पहले आप लोग आंसर बता दें और ये सही जवाब है डॉक्टर राजीव जोशी इन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया आप सोचो बहुत बड़ा अवार्ड है ये रिसेंटली बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ वोडाफोन वोडाफोन ग्रुप के नए चेयरमैन है? है मुश्किल से दस सेकंड का टाइम है समय 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 तो पांच चार तीन दो और एक यह समय हुआ आपका समाप्त तो और जवाब जल्दी से आप लोग दे दीजिए और देखिए एकदम रेस लगी हुई है बच्चे एकदम भागे पड़े हैं एकदम बहुत अच्छी बात है ये जोश और जज्बा कायम रखो लेकिन लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों को बुलाओ सब्सक्राइब करवाओ ठीक है पीडीएफ कैसे मिलेगी शो के बाद इसी लिंक के नीचे आप देख लेना पीडीएफ मिल जाएगी और अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहां भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसलिए टेंशन नहीं लेने का बस पढ़ाई करने का अपने आप पर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने का ठीक है चलिए जवाब आना शुरू हो गया मैं जवाब बता देता हूं जीन बॉक्सियर तो ये यहाँ बॉक्समियर जो है वो साहब जो है वो वोडाफोन के चेयरमैन हैं 20 20 40 सवाल हो चुके हैं 10 सवाल और है 10 सवाल की रेस है और बताइए जल्दी से कि आप अभी तक कितना कमा चुके हैं जल्दी से बताओ जल्दी से शेयर करो तो मैं भी समझ लू कि भाई बच्चों ने कितनी मेहनत की आज सुबह हम लोग भी बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें आप लोगों के पास लाने के लिए कई बार न्यूज़ पढ़नी पड़ती न्यूज़ रिप्लेस करनी पड़ती है न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉमेसन क्या डाला जाए कि हर बच्चे को मदद मिले क्योंकि देखो करंट अफेयर जो है ना वो करंट अफेयर आपके हर लाइफ हाँ लाइफ के हर पहलू में काम आएगा बैंक एग्ज़ाम दोगे वहाँ भी काम आएगा एस में बहुत मदद करेगी यू वगैरह में भी ये मदद कर जाती है क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट होना बहुत आवश्यक होता है ठीक है तो अपडेट रहिए और ये देखिए चौतीस पंद्रह कुछ लोग बीस में से पंद्रह बता रहे हैं कुछ लोग टोटल छत्तीस चालीस में से छत्तीस बहुत अच्छी बहुत अच्छी चालीस में चालीस बहुत सही ये देखो एकदम तीर अंदाज जो है एकदम सही निशाने पे चलिए तो फिर दस सवाल और है और दस सवाल देख लेते हैं फिर देखते हैं किसमें कितना है दम सवाल आपके सामने रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट सीनेट हैज पास्ड अ बिल टू रिमूव है ऑफ विच कंट्री फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज कहमीज है किस कंट्री का है ये बस सवाल है आपके सामने पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना नेपाल एंड रुशा ठीक है स्टॉक एक्सचेंज से इसको हटाया जा रहा है ये कह, जो है किस कंट्री से रिलेटेड है इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड लिस्टेड रहा लिस्टेट था और इसको वहां से हटाया जा रहा है कि हटाओ इस कंपनी को काम का नहीं है ठीक है किस देश का है समय आपका समाप्त हो चुका है ठीक है ब्रजेश गिरी डबल जीरो दिखा के दुखी हो रहे हैं कोई बात नहीं आपकी तबियत खराब है मैं समझ सकता हूँ दुखी मत हो अगली बार नंबर आ जाएंगे बाद में पढ़ लेना ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात यहां पे पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना नेपाल और रशिया में से जवाब है चाइना अब इस समय जो है यूएस का जो टेंशन चल रहा है ना देखो ईरान से शिफ्ट होकर चाइना पे आ गया तो आजकल जो भी वहां पे हो रहा है ना वो चाइना चाइना ही हो रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग रिसेंटली बीन रिसेंटलीउंस टू बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ जेपी मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ठीक है जेपी मॉर्गन जो कंपनी है उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है लियो पूरी पुरी मार्कोस्टोजो आभास झाट दिलीप ओमेन जुबैर इकबाल इसमें कई ऑप्शन तो ऐसे हैं जो आपको मालूम है कि ये आंसर नहीं होगा ठीक है और ट्विंकल सिंह ने तुरंत जैसे चाइना देखा तो वैसे ही इन्हें रेड एंड येलो होना शुरू हो गई ठीक है और संदिप्ता भी रेड एंड येलो हो गई ठीक है चलिए तो जल्दी से समय आपका समाप्त हो गया जवाब मैं दे देता हूँ लियो पूरी इसके आंसर है दिया लियो पूरी याद होगा अगर आपको तो मैंने एक बार पहले भी कहा था बहुत अच्छा ये, ना, ये नाम है लियो ठीक है आर श्री आर श्री लेखा विल बी द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ विच स्टेट जल्दी से बताओ बहुत ही अच्छी बात है मैंने आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था जो लोग उस स्टेट के थे तो जल्दी से याद करो कि कौन सा स्टेट है वो आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु केरल हिमाचल प्रदेश जल्दी से बताइए कि श्रीलेखा आर श्रीलेखा जो है किस स्टेट की वुमेन पुलिस डीजीपी बनने वाली है पहली महिला डीजीपी ठीक है पहली महिला डीजीपी जल्दी जवाब दो बिल्कुल सही और ये जवाब आना शुरू हो गया है ठीक है जवाब आना शुरू हो गया है और ये देखिए समय आपका समाप्त हो गया इसलिए मैं जवाब आपको दे देता हूं केरल तो केरल फिर से आपको मुबारक और पूरे देश को मुबारक पहले महिला डीजीपी जो है वो एक स्टेट की बनने जा रही है ठीक है चलिए अगला अगला सवाल आपके सामने पद्मश्री अवार्डी मुस्तबा फील्ड किस फील्ड में इनके अद, अद, अद्भुत कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मुस्तबा हुसैन इनका निधन हो चुका है तो ये सवाल आपके सामने है कि पद्मश्री जो है आ, किस फील्ड में वर्क करने के लिए मिला था आंसर आप जल्दी से दे दें क्योंकि समय आपका हो चुका है समाप्त सोशल वर्क स्पोर्ट्स लिटरेचर आर्ट एंड अदर्स जल्दी से बताएं और सही जवाब आपका है लिटरेचर ठीक है लिटरेचर में इनके अद्भुत कार्य के लिए जो है पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था और आपके सामने फिर से आया रिसेंटली हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन टू द रिपब्लिक ऑफ नाइजर नाइजर रिपब्लिक के लिए इंडियन एम्बेसिडर किसे नियुक्त किया गया है आयुष शर्मा विनय जोशी मनीष रावत प्रेम के अभिषेक पांडे जल्दी से जवाब दे दीजिए और ये देखते हैं जवाब किसका आ रहा है समय आपका समाप्त हो रहा है पांच चार तीन दो और एक समय हुआ आपका समाप्त आयुष शर्मा विनय जोशी और मनीष रावत प्रेम के नायर और अभिषेक पांडे में से किसे नाइजर के एम्बेसिडर के रूप में अपॉइंट किया गया है आंसर सबके आ रहे हैं चार 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 देखते हैं आंसर क्या है प्रेम के नायर इज द राइट आंसर बिल्कुल सही आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे प्रेम के नायर इज द राइट आंसर अगला सवाल आपके सामने है कि रिसेंटली विच सेलिब्रिटी हैज लॉन्च हिज ऑन ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड एफआरएसएच एफआरएसएस किसने लॉन्च किया है सलमान खान विराट कोहली अक्षय कुमार रणवीर कपूर वरुण धवन जल्दी से बताइए एफआरएसएस किसने लॉन्च किया है चलिए और ये समय आपका हो रहा समाप्त तो 3 2 और 1 ये हुआ समय समाप्त तो देखते हैं आंसर क्या है बिल्कुल आंसर है आपके फेवरेट सलमान खान ठीक है चलिए अगला सवाल है किमोरा किमोरा रिसेंटली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स जी का निधन हो चुका है और ये किस स्पोर्ट से संबंधित थी रेसलिंग टेनिस बैडमिंटन हॉकी एंड टेबल टेनिस जल्दी से जवाब दे दीजिए और जल्दी से जवाब आपका जवाब आना शुरू हो गया और ये देखते हैं जवाब क्या है आपका जी हाँ रेस्लिंग ये जवाब है आपका ठीक है हीना किमोरा वॉज रिलेटेड टू रेसलिंग एंड पास वे रिसेंटली ठीक है रीसेंटली चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रिसेंटलीट विलोवाइड सिक्स मिलियन एट टू तो विच कंट्री टू तो सपोर्टेंट कोरोना वायरस के लिए पैसे किस देश को दिए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा चाइना को की, फ्रांस को फ्रांस इटली को पाकिस्तान को बांग्लादेश को एक ऑप्शन तो उड़ा दो चाइना को मदद देने वाली नहीं है ठीक है ठीक है तो अब बचे चार फ्रांस इटली पाकिस्तान और बांग्लादेश जिसमें से अगर देखा जाए तो पोटेंशियल ग्राहक जो कौन लग रहे हैं इसके ठीक है सिक्स मिलियन एट के पोटेंशियल ग्राहक कौन लग रहे हैं आपको अगर ऑप्शन देखते रहो चाइना को तो देने वाला नहीं है आप कंफर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना एंटी पार्टी ठीक है तो उनको तो मिलने वाला नहीं है और ये देखिए फ्रांस और इटली जो इटली में भी बहुत बुरी हालत थी ये आपको मालूम ही होगा तो देखते सही जवाब क्या है और सही जवाब इसका है पाकिस्तान बिल्कुल बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है पाकिस्तान को जो है अभी वर्ल्ड बैंक ने भी फंडिंग की और यूएस ने भी फंडिंग की क्योंकि वहां पे कोरोना वायरस से हालत वाकई बहुत बुरी हो रही है ठीक है और ये दौर अभी भी बढ़ेगा क्योंकि कोरोना वायरस का जब तक इलाज नहीं मिलेगा जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक उसका कोई इलाज नहीं तब तक हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा और ये देखिए हमारे बीच 400 लोग आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग दोस्तों को इनवाइट कर करके ये जल्दी से 400-500 का आंकड़ा जल्दी से बना दो जल्दी से जब तक 400 500 और 600 और 700 800 आठ नौ हजार लोग नहीं आते इस शो में तब तक शो का मजा और कंपटीशन का मजा नहीं आएगा ठीक है इसलिए जल्दी से इस सब्सक्राइब करवाइए लोगों से लोगों को शेयर करिए लोगों को कही कि आप पार्टिसिपेट करो करंट करंट अफेयर लाइफ में करंट अफेयर लाइफ में जो है आपको करंट अफेयर के न्यूज दिए जाते हैं जो कि एस बैंक के साथ साथ आदर एग्जाम में भी काम आएंगे बिल्कुल थ्री हंड्रेड बहुत अच्छे बहुत अच्छे आपके एफर्ट जो है काम आए बहुत अच्छे बहुत अच्छे आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन में अब और कॉम्पिटिटर जुड़ रहे हैं तो ये देखो आप सोच रहे हो सर तो मजे ले रहे हैं देखो, देखो मैं तो ये देख रहा हूं जितने ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा उतने आपकी तैयारी होगी और ये अगला सवाल आपके सामने फॉरमोर उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर एंड फॉरमर एम पी डॉक्टर नेपाल सिंह हैज पास अवे ही वॉज रिलेटेड टू विस पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर नेपाल सिंह जी का निधन हो गया है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है ये आ, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर भी थे ठीक है तो जल्दी से इनका जवाब दे दीजिए देखते हैं आंसर कौन सा आ रहा बहुत से सिंह दिए प्लस हम लोग गए थे आप लोग जितना इस चीजों को आगे बढ़ाओगे जितना दोस्तों से देखो जब आप पॉजिटिविटी शेयर करते हो ना तो लोग उसको मानेंगे ठीक है लोग उसको मानेंगे लोग आएंगे आपकी मेहनत रंग लाएगी बिल्कुल जल्दी से इसका जवाब दे लेते ले हैं भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर नेपाल सिंह वॉज रिलेटेड टू भारतीय जनता पार्टी उनका निधन हो गया हाल ही में और ये देखिए विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स बहुत ही बढ़िया सवाल है स्पोर्ट्स को कहा है इस स्टेट ने कि भाई ये इंडस्ट्री है हमारी और इंडस्ट्री है तो मतलब पूरा इंडस्ट्री की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा उसके ग्रोथ के लिए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे मणिपुर मिजोरम हरियाणा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जल्दी से जवाब दे दो तो भाई कौन है कौन सा ऐसा राज्य है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री बना दिया है समझो वहां के लोगों के लिए स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी आप समझ समझिए इंडस्ट्री कह दिया यानी वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली भाई जल्दी से जवाब दे दो और ये आंसर आना शुरू हो गया मैं भी आंसर यही देता हूँ मिजोरम इज द स्टेट ठीक है मिजोरम मतलब कैपिटल क्या है कैपिटल क्या है भाई एंड हु इज द सी एम ऑफ मिजोरम जल्दी से जवाब में लिख दो सब लिख दिया करो पूछना ही ना पड़े ठीक है इससे आपका रिवीजन हो जाएगा लोगों का रिवीजन हो जाएगा ठीक है और ये छोटी छोटी चीजें क्योंकि स्टैटिक पार्ट है ना तो ये स्टैटिक पार्ट ऑलमोस्ट परमानेंट ही रहती है ठीक है जल्दी से जवाब आप लोग बता दीजिए कि मिजोरम के मिजोरम के बारे में थोड़ा सा डिटेल जिसके पास भी हो जल्दी से मिजोरम का डिटेल डाल दीजिए और ये देखिए अभी भी लोग जवाब दे रहे हैं मिजोरम 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 एकदम मिजोरम रट गया है गारो एंड खासी हिल की बात कर रहे हैं लोग ठीक है बिल्कुल मिजोरम जोराम था बहुत सही जोराम थांगा लोग कह रहे जोराम थांगा अब मिजोरम मिजोरम जोराम ठीक है जोराम थांगा ठीक है बहुत सही पेमा खांडू नहीं भाई जोराम थांगा ठीक है जोराम थांगा बहुत सही बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे आप लोग जवाब देना शुरू कर चुके हैं सबको पता है आई जोल आई जोल आई जोल आई जोल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चों यही जोश और जुनून रखो अपने आप में देखो एकदम पार्टिसिपेट करो गेम की तरह एकदम मजे से पार्टिसिपेट करो गलत हो गया गलत हो गया सही हो जाएगा ठीक है टेंशन नहीं लेना गलती करने से डरोगे अगर यही डर गए शुरू में कि सर गलत हो गया तो क्या करूंगा देखो भाई एक बात बताएं गलत और सही कुछ नहीं होता जब आप एक डिसीजन लेते हो ना और उस डिसीजन को जितनी खूबसूरती से आप लगाते हो वही जाके जो है बाद में उसको गलत और सही लोग कहना शुरू होते हैं लेकिन डिसीजन आपने लिया है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता बस मेहनत उसमें इतनी कड़ी करो ना कि लोगों का मुँह खुद ही बंद हो जाए ठीक है आप तैयारी करते होगे दुनिया भर की तैयारी करते होगे जब आप कहते होगे मैं ये बनना चाहता हूँ मैं आई बनना चाहता हूँ तो लोग अक्सर सवाल उठाते होगे अरे तुम क्या बनोगे जाओ यार ठीक है ये सुनना एकदम तो कान बहरे कर लो उस वक्त और कुछ जवाब मत दो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हो गया जब लोगों के सामने जाओगे ना मिठाई का डब्बा लेते हुए बड़ों का पैर छूओगे आशीर्वाद लोगे तो वो खुद ही कहेंगे कि यार बताओ मैं इस बच्चे के बारे में कितना गलत था यानी मेरे मेरे प्रेडिक्शन में गलती है क्योंकि मैंने इस बच्चे को गलत सोचा था ठीक है वो खुद को करेक्ट करेक्शन करेंगे आपकी मेहनत की वजह से और आपको देख के कई बच्चे कई लोगों की आंखें जो देख रहे होंगे आपको ना वो आपको एग्जाम्पल बना के आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे कामयाबी की ओर बहुत सर बहुत अच्छे आ, और ये देखिए एच रिंसा चकमा सर मेरा नाम भी ले लो ले लिया आपका नाम चलो अगला सवाल आपके सामने लेकिन खत्म हो गया यार पचास में से कितने हुए बताओ ये आपको फेसबुक और टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अगर सो अच्छा लगा तो हम सब बड़ा बड़ा सा डाल देना ठीक है पचास सवाल हो गए हैं आपके पूरे और पचास सवाल में से कितने आप लोग पाए बिल्कुल श्वेता नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया है ठीक है पचास सवाल आपके पूरे हो गए आप लोगों को पता भी नहीं चला हम लोग हंसते खेलते जो है पचास सवाल कर गए आप समझो अगर ये पढ़ने बैठे होते हम लोग कि चलो आज पचास सवाल पढ़ ले तो यकीन मानो पच्चीस तक जाते जाते मोबाइल आ जाता या तो सो जाते हैं हम लोग ठीक है पलक पलक ने बहुत बहुत अच्छा नंबर गेन किया है प्रवीण बहुत अच्छा महिमा बहुत अच्छे आ, सपना एंड स्मृति बहुत अच्छे संदीप बहुत सही महेश बहुत अच्छा बनमित और भीम और कुछ नाम ऐसे हैं संदीपता ये लोग कुछ नाम फैजल ऐसे कुछ नाम है जो शुरू से जो है हम लोग के साथ बहुत बहुत ही बहुत ही ईमानदारी जुड़े हुए चले आ रहे हैं बहुत अच्छी मेहनत आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा अमन बहुत अच्छे विवेक बहुत से नाम ऐसे हैं जो मैं ले, ले नहीं पा रहा हूँ ठीक है अ निशा वेरी गुड ठीक है तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो और ये जो देखो ये जो स्कोर है अपना ना इस स्कोर को जरूर शेयर करना फेसबुक पे ठीक है और अगले संडे के लिए इनवाइट करना लोगों को कि चलो हम लोग फेयर हैं जैसे नहीं जीरो बेस बजट होता है कि शुरू से शुरू करेंगे मुकेश कुमार नाम ले लिए ठीक है तो जीरो से एकदम शुरू करने के लोगों को चैलेंज करो ठीक है ये चैलेंज अब आप चैलेंज करोगे ना छोटे छोटे चैलेंज करोगे उसमें जीत या हार होगी उससे आप सीखोगे तो जो बड़ी चैलेंज होगी ना उसमें हमेशा आप जीतोगे ठीक है इसीलिए इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है इसीलिए क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं लोग बैडमिंटन खेलते हैं लोग दौड़ते हैं ठीक है लोग दौड़ के अपने ही रिकॉर्ड को बीट करने की कोशिश करते हैं तो ये जीवन है ठीक है जीवन में आगे बढ़ते रहना है ठीक है आगे ही बढ़ते रहना कुछ भी हो जाए चैंपियन आप लोग हैं शिवम पटेल आप सभी लोग चैंपियन हैं ठीक है आप सभी लोग चैंपियन हैं आज आज सोचो आज जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस शो में आज वो दिन भर जो है ये मानकर चलेंगे कि यार मैंने पचास में से इतने गेन किए हैं ठीक है ये जो कॉन्फिडेंस है ना ये जो चीज है यही आपको जीवन में आगे ले जाएगी रोने के लिए तो पूरी दुनिया बचती है मेरे दोस्त ठीक है हंसना सीखो चीजों में से हंसी निकाल के लाओ ठीक है खुद भी हंसो लोगों के भी हंसाओ खुद भी पॉजिटिव रहो लोगों को भी पॉजिटिव रखो ठीक है क्योंकि दिए से दिए जब जलाते चलोगे ना तो एक दिन यही दिए जब एक साथ होंगे तो ये सूरज का काम करेंगे ठीक है चलो तो फिर आज के लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का धन्यवाद कि मेरी रिक्वेस्ट पे आप लोग आए और आते ही रहना इसको पार्टिसिपेट करते ही रहना थैंक यू वेरी मच नमस्कार आदाब सत्यकाल नमस्कार Subscribe now and press the bell icon. Never